गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और गुड मॉर्निंग। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप बहुत अच्छी निकली है। देखो आप देख रहे हो मेरे फेस पे धूप आ रहा है बिल्कुल सामने बालकनी में। तो मैं मॉर्निंग कर क्योंकि सारा काम वगैरह कर लिया मैंने। अब मुझे हैबिट हो गया रोज़ मॉर्निंग जल्दी ही उठने का, क्योंकि डेली ऑफिस जाती हूँ जल्दी, तो फिर हैबिट ही हो गई है। तो उठ गई और जा रही हूँ फटाफट नहाने के लिए। खाना वगैरह बन गया, नाश्ता बनाया मैंने आज। बनाया मैंने दाल, फ्राइड दाल और रोटी और आलू का भरता होता है ना, आप लोग नहीं जानते हो जो बिहार से वो जानते होंगे। तो आलू को मतलब बॉईल कर लिया, उसको फ्राई करके बनाया बहुत अच्छा, प्याज टमाटर डाल के, टमाटर नहीं प्याज जीरा वगैरह डाल के। और आप देख लो बॉइलिंग किया था मैंने रात में, रात में काफ़ी लेट हो गया था सोने में, बट फिर भी टाइम पर उठ जाती हूँ मैं रोज़। और अब नहा धो के पूजा वूजा करके जाऊँगी घूमने। आज काफ़ी टाइम से मैं बना रही थी कि जाऊँगी 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 जाऊँगी, बट जा नहीं पा रही थी। तो होप सो आज मैं चली जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँगी रह रही हूँ कि तब बिलीव करूँगी यहाँ मैं गई नहीं जाऊँगी, पास में जाऊँगी। आप देखना ब्लॉग में बने रहना कहाँ जा रही हूँ, वैसे तो पता ही चल जाएगा आपको थंबनेल से कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी कहाँ गई मैं घूमने के लिए। और आज संडे था तो फिर मैं जिम कंटिन्यू 5 दिन 6 दिन गई थी, तो मैं सोची आज जिम नहीं जाती हूँ क्योंकि थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ रोज, तो जिम जाती हूँ। तो फिर और गाइस मैं जिम से रिलेटेड शॉर्ट्स बहुत अच्छी अच्छी आएगी, तो आप लोग देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं कुछ सोच रही हूँ, आप लोग पूछ रहे थे ना मेरे से मतलब वैली फैट लॉस करने के लिए कैसे करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, तो मैं सोच रही हूँ उसका भी शॉर्ट्स बना के डालूँ मैं। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ नया अपडेट कर, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी में नहाने के लिए, फिर चलते हैं घूमने, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। कितना क्लियर हो गया ना बिल्कुल, और सामने से सूरज भी है उस साइड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। अभी तक मैंने इसका झंडा लगा ही रहेगा जब तक मैं रहूँगी यहाँ पे। ये देखो कबूतर अपने बच्चे के साथ चली। चलिए फिर देखो सारा काम मेरा हो गया, मैंने 4 बजे सब कर दिया मैंने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ धोली मैं और अब पूजा भी हो गया मेरा, अब मैं जाने नाश्ता करके रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग। देखो मेरा पूजा हो गया मॉर्निंग का, जय माता दी। तो गाइस रेडी हो गई, अब मैं कैब का वेट कर रही हूँ, मतलब ऑटो का, ऑटो आती फिर मैं निकलती हूँ। और मैंने कल जो टी शर्ट लिया था उसमें से एक पहना, ये कलर भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो चलिए फिर चलते हैं जहाँ जा रही हूँ, ब्लॉग में बने रहना, आप देखना मैं कहाँ जा रही हूँ। जानते होंगे बहुत ही फेमस है ये, तो मैं पहले सोची थी आऊँगी बाय मेट्रो, बट मेट्रो से समझ नहीं आ रहा था, तो फिर ऑटो किया नोएडा से और फिर मैं ऑटो से ही आई। तो चलिए अभी चल रही हूँ, ऑटो पीछे रुक गई, यहाँ से जाना है अंदर, फिर चलते हैं फिर दिखाती हूँ। Thank you.
प्लान था कि नहीं जाएंगे हम, धूप में तो गर्मी हो रही है, और ये मैंने लिया है म्यूजियम का पेपर, मैं बताऊंगी क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है वो नेट पर दे रखा है, तो चलिए फिर चलते आगे। ये देखो कितना ज़्यादा धूप, बट बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया है, फोटो के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से बेस्ट। यहाँ पे इन्होंने चप्पल जूता हमें एक वो दिया है, बैग दिया लेने के लिए, निकलवा दिया। गाइस बिल्कुल पास से लोटस टेम्पल, वो भी जो है लाइन देख रहे हो आप। अंदर कुछ नहीं है बट बहुत पीस है, मतलब शांति है बिल्कुल, आप देखो शांति से बैठो, जो मन्नतें मांगो, और बहुत मज़ा आया बिल्कुल, बहुत ठंड। ये जो है ना पूरा मार्बल का है बना हुआ है, आपको जैसे दिख रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा। हमारे यहाँ पे जूस पीने के लिए बहुत धूप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई बिल्कुल, तो फिर ये बस जस्ट सामने ही है लोटस टेम्पल के, देख रहे हो आप, ये पीते हैं फिर चलते हैं। देखो गाइस यहाँ पे बिल्कुल खाना वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, और बाद में बताती हूँ सारा डिटेल। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं जूस पी के, हम यहाँ से ऑटो कर रहे थे बट ऑटो नहीं मिला, तो मेट्रो है पास में, और यहाँ पे कालिका जी की मंदिर भी है, तो हमें नहीं आइडिया था, बिल्कुल सामने ही है, मतलब जस्ट लोटस टेम्पल के सामने मंदिर है, बट मुझे पता नहीं था तो फिर मैं गई नहीं। तो बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत मान्यता, बहुत पुराना मंदिर है, तो आई होप नेक्स्ट बार मैं जाऊँ, और जब माता रानी को बुलावा है तभी जाते हैं ना, कहते हैं ना वही वाला सीन है, तो मैं अभी तो नहीं जा पाई लेकिन बाद में ज़रूर जाऊंगी। अब बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब तो इतना तेज़ धूप, अभी ये हाल है, अभी तो मार्च भी नहीं आया है, बहुत तेज़ी से गर्मी करेगी बिल्कुल, ये देखो। तो फिर अब हम जा रहे हैं मेट्रो लेने, फिर जाएंगे घर, तो चलिए फिर दिखाते हैं कौन सा मेट्रो ले रही हूँ, कहाँ से ले रही हूँ। मेट्रो के पास गाइज, आप यहाँ से मेट्रो से जा सकते हो, बेस्ट है, पैसे भी कम लगेंगे और ऑटो से ज़्यादा लगते हैं, और यहाँ से बिल्कुल पास में है मेट्रो से, तो बिल्कुल सही है, सेफ भी है। चलिए फिर चलते हैं कौन सा मेट्रो। हेलो गाइस, मैं रेस्ट कर रही थी आके, फिर उसके बाद अब मैं सोची पहले चावल बना लूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में रोटी और दाल खा के गई थी, तो फिर मन किया नहीं यार चावल खाने का मन नहीं हो रहा, शाम हो गया था, तो फिर मैंने जोमेटो से मंगा लिया। क्या मंगाया मैं दिखा रही हूँ, बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत घूम के अच्छा लगा, बताऊँगी डिटेल में बाकी बाद में। ये देखो गाइस, ये है पनीर रोल, और ये टिक्का दिया है, और ये है बर्गर, और इसके साथ ये चटनी है, ये मिर्च है। चलिए फिर खाते हैं ये, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, सारा काम वगैरह मेरा हो गया, एवरीथिंग, तो फिर मैं अभी गई थी आज, जैसे कि आप वीडियो में देख ली होगी, अभी तक मैं वहाँ पे गई थी लोटस टेम्पल, तो मुझे लगा था मतलब इतनी भीड़ नहीं होगी अभी के टाइम में ना, थोड़ा सा मना जाएगा तब, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने देखा होगा वीडियोस में कितनी भीड़ थी। पहले मेरा प्लान था क्या मैं अंदर जाऊंगी, बट इतनी भीड़ देख के मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और बहुत ज़्यादा सफोकेशन भी हो रहा था। वैसे देखो पूरा बैग खुला था, बट फिर भी इतनी भीड़ थी ना, बहुत लोग अजीब अजीब टाइप के थे, स्मेल कर रहे थे, तो उसके वजह से बहुत घुटन हो रही थी। बट फिर मैं सोची कि जब मैं यहाँ तक आई हूँ इतनी दूर, और उसके बाद इतना घूम ही लिया, तो फिर मैं तो चली जाती हूँ। फिर मैं वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, मतलब ये लोटस टेम्पल क्यों बनाया है, किसके थ्रू बनाया है, एवरीथिंग उसमें दे रखा था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे मतलब वहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा, बट बहुत लोग ना ले रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह, तो बट मैं ली नहीं, तो फिर उन्होंने ये दिया था एक
ये चीट है, इसमें मतलब चीट नहीं पेपर है, इसमें लिखा हुआ है, डिस्क्राइब कर रखा है कि इसमें किसके थ्रू बनाया गया है और क्यों बना है। तो फिर आप लोग जाओगे तो आपको भी मिलेगा ये चीज़, बहुत लोग गए होंगे क्योंकि बहुत कॉमन है ये, और फिर बहुत टाइम से है यहाँ पे तो सबको आइडियाज़ तो होगा ही, बट यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, मतलब वो जो टेम्पल बनाया है उन्होंने सच में बहुत अच्छी बनी है। तो फिर मैं पहले म्यूज़ियम गई, म्यूज़ियम में बहुत सारा देखा मैंने, वहाँ पे मेनली ना धर्म के बारे में बता रखा है, बौद्ध धर्म जितने भी हमारे धर्म हैं सबके बारे में। तो ज़्यादातर मुझे जहाँ तक आइडिया लगा, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे लग रहा है उस टेंपल में ही या तो सिख धर्म का बताया जा रहा है या फिर मुस्लिम धर्म का, बट इट्स ओके, टेंपल अच्छी थी, लोग बहुत वहाँ पे थे, इवन फॉरनर बहुत ज़्यादा थे वो लोग, और अंदर में हर जगह फॉरनर लोग ही ड्यूटी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जाके वहाँ पे। और फिर जब मैं लोटस टेम्पल के अंदर गई तो वहाँ पे आप लाइन के थ्रू जाओगे, मतलब लाइन लगती है, तो मेरे मन में था कि अच्छा अंदर भगवान होगा, कोई मूर्ति होगा, ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं जब अंदर गई तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने एक कैरी बैग, मतलब एक थैला दिया था, उसमें उस थैले में आप वो कर लो, क्या कहते हैं, चप्पल जूता रख लो, बट मुझे एक लॉजिक नहीं समझ आया गाइस, आप लोग ही बताना कि चप्पल जूता कैरी करके मंदिर जाने क्या मतलब है, या तो आप ऐसा बनाते कि बाहर ही खोलो फिर उधर से आके फिर पहन के चले जाओ, वो बेस्ट था ना, आप हाथ में झोला दे दिए, चप्पल लेके अंदर चले जाओ, मंदिर में घुस जाओ, और फिर हमारे में तो है ही नहीं ये सीन, तो फिर इट्स ओके, ये भी ठीक है। तो फिर ठीक था, फिर अंदर गए, मुझे लगा होगा ऐसा कुछ, फिर हम लाइन लगे, फिर वहाँ पर हमें बताया गया बिल्कुल प्रिंट ऑफ साइलेंट में जाना है अंदर, बिल्कुल शो नहीं करना है, कैमरा नहीं ऑन करना है, ये वो, आप जाके प्रे करो, बैठो, देखो, घूमो। बट हम जब अंदर गए बहुत सुकून था, बहुत ठंड थी वहाँ पे, अब बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा बनवाया मंदिर उन्होंने टेम्पल, और कुछ नहीं था अंदर, बस बैठने के लिए था, जैसे चर्च वगैरह में होते हैं ना वैसे था, बट कोई भगवान कुछ नहीं था, इट्स ओके, भगवान तो हर जगह हैं। तो बट फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के अंदर बैठ के, मैं बैठी 15-20 मिनट, फिर बैठ के प्रे वगैरह की, फिर मैं उधर से निकली, उसके बाद फ़ोटो लिया। अंदर सिर्फ वो टेम्पल है, फिर चारों साइड पानी है, वाटर, आपने तो ये सब देख लिया होगा, तो ठीक था। मेरा चप्पल टूट गया, फ्लॉप हो गया एक तो ये, वैसे मैं कैरी करके पूरा गई, और फिर गई जस्ट उसके सामने ना कालिका मंदिर थी, तो मेरा मन था जाने का बट नहीं जा पाई, और बहुत लेट भी हो गया था। मैं गई थी तो बाय ऑटो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कुछ भी, तो फिर मैं ऑटो से गई थी, बट उधर से जस्ट नियर ही मेट्रो है, मेट्रो से उतरोगे 200 मीटर चलोगे फिर आपको वो टेम्पल दिख जाएगा, तो ठीक है आप जा सकते हो, बिल्कुल बेस्ट है घूमने के पर्पज़ से, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे घूमने के लिए, बहुत सारा फ़ोटोज़ है, बहुत सारे पार्क है, बहुत सारा मतलब अच्छा उन्होंने मेंटेन कर रखा है, बहुत क्लीन थी अंदर, बहुत ज़्यादा ही, खाना अलाउड नहीं था, और कोई भी टिकट नहीं थी, जैसे होते ना एंट्री चार्ज, गेट पे आप एंट्री कर रहे हो तो चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उसके बाद फिर आप एंट्री इधर से करोगे, एग्जिट आपको पीछे बैक साइड से करना होगा, तो वो भी ठीक था, आप लोग जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था, मैं जहाँ जहाँ भी नहीं गई हूँ दिल्ली में, जितने भी छोटे छोटे जगह प्लेसेस हैं, मैं सब जगह सोच रही घूम लूँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। अब पहले मुझे कालिका मंदिर जाना है, क्योंकि मैं पास होके नहीं गई, कितने लोग तो पता है वो जो होता है ना, मतलब लेट के कष्टी डाल के वो चल चल के जा रहे थे मन्नत, जिनका मन्नत होगा, बहुत लोग माँ 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 करते हुए जा रहे थे, बहुत लंबी लाइन थी सच में, जस्ट बगल में लाइन थी गोल्डन टेम्पल का, मतलब वो लोटस टेम्पल का, उसके जस्ट साइड में थी वो लंबी लाइन, तो मैं सोची पॉसिबल ही नहीं है लाइन में इतना लगना, मेरी चप्पल भी टूट गई थी फिर, अब मैंने खा पी लिया था, तो मैं नेक्स्ट बार जाऊँगी कालिका मंदिर, और देखते हैं। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, गए घूम के, अब गाइस सच में समर आ गई बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी इतनी ज़्यादा दिन में, तो फिर कुछ नहीं, और बाकी कल चलते हैं ऑफिस जाना है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, घर आके फिर रेस्ट की मैं आराम से, अब मैं जा रही हूँ, खाना ना खाऊँगी, थोड़ा रील्स बनाऊँगी गाइस, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, और मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आती है, और जिनका मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया मैं कल सबका कर दूँगी, सो डोंट वरी। और जिनका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हुआ है, मे बी देखो मंडे को कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो कुछ मैं लेके आती हूँ अपडेट, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बाकी आप लोग अपने एंड से भी ट्राई करो गाइस, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय, गुड नाइट और टेक केयर। तो फिर चलिए मिलते हैं बाद में, जय माता दी सबको।